प्रेम से बोलिए जितवान भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूं। एक बार की बात है कि एक राज में राजा का बेटी का विवाह था। राजा का बेटी का विवाह था और हथिया नक्षत्र था, तो रात दिन बारिश हो रहा था उन नगर में। वहां तो पहले के जमाने में बहरे पूरा बारिश होता था, बहुत काफी। हथिया जब नक्षत्र चढ़ता था तो 16 दिन जो हथिया नक्षत्र है वो रहता है, तो 16 दिन का लोग जलावन और खाने का राशन का सामान व्यवस्था करके रख लेते थे, क्योंकि रात दिन पूरा बारिश होता था। इसी कारण लोग अपना व्यवस्था कर लेते थे। और वही आसिन मास में राजा का बेटी का विवाह था। राजा साहब पूरे घर में, अपने गांव में पूरा सबके यहाँ बोल रखे थे कि भाई चावल धान कूट देना, गेहूं पीस देना और मेरे घर भेजा देना, बारात आएगा तो खाएगा क्या, मेरा पूरा जवार क्या खाएगा। अब सारा पूरा राज में सब लोग चिंतित थे, दुखी थे कि हथिया नक्षत्र चल रहा है, रात दिन बारिश हो रहा है और कैसे करके पीसेंगे कूटेंगे, क्या कर सकते हैं, ये तो बड़ा असंभव है। सब बड़ा चिंतित थे। वहां एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बड़े सती थे, बड़े पुजारी थे। उनका एक कन्या थी, कन्या का नाम सती था। सती की माता बड़े चिंतित थी। ब्राह्मणी सोच रही थी, यदि राजा के घर सही समय से नहीं पहुंचेगा अनाज, राजा का इज्जत चला जाएगा, पूरा नगर के लोग के मार काट देगा राजा। भगवान, धूप तो उग नहीं रहा, मैं गेहूं कैसे सुखाऊं, कैसे पीसूं। बहना, अब सारा लोग अपने माता को चिंतित देख सती सूर्यदेव से कहती है कि हे सूर्यदेव, मैंने जिस दिन से जन्म लिया हूं अपना होश संभाला हूं, मैं आपका पति स्वीकारा हूं और मेरे हृदय में आप ही हैं, और यदि आप मुझे पति स्वीकारते पत्नी स्वीकारते होगे तो धूप उग जाएगा और बारिश नहीं होगा जब तक कि राजा के घर कुट पीस कर लोग पहुंचा नहीं दे। गुरु भाई बहना, भगवान उसका पुकार को सुन लिए सूर्यदेव और सुबह सुंदर धूप उगा। सारा गांव के लोग गेहूं सुखा लिए और पीसने का तैयारी कर दिए, पीस कूट के राजा के घर पहुंचा दिए। और सूर्यदेव जो थे, सूर्यदेव अपना ध्यान लगा लिए कि सती का पास तो मुझे जाना है, सती ने तो मुझे पति स्वीकारी है, तो सती के पास कैसे नहीं जाएंगे। अब ये भी बेचारी जान रही थी कि सूर्यदेव मेरे पास तो अवश्य आएंगे। पूरा घर सजा दी, पूरा घर सजा दी। उस दिन नहाई खाई जो करते हैं, सप्तमी का दिन था जो आज हम लोग नहाई खाई करते हैं, सप्तमी का दिन था आसिन मास कृष्ण पर सप्तमी के दिन, तो पूरा घर साफ सफाई करके सजा दी, फूलों का बिछावन लगा दी और बिछावन लगा के पूरा अपना आंगन ओसरा द्वारी सगरो फूलों सजा दी और गौ गौशाला में छुप गई। सूर्यदेव आए और सती
सती सती सती सती कहते कहते पुकारते पुकारते उनका चारों महल चारों तरफ महल में घूर गए। लेकिन बहना सती कहीं दिखाई नहीं दी। सती तो बेचारी गौशाले में छुपी हुई थी कि मैं बेब्याह कन्या हूँ ब्राह्मण की और मुझ पे उंगलियां उठ जाएगा, मेरा दर्द कौन समझ सकता है, मेरा सच कौन जानेगा। इसीलिए हम सूर्यदेव के सामने नहीं जाएंगे। सूर्यदेव पूरा गुस्सा में अंगार थे और बाहर निकल के और उनका काम देव रहा नहीं गया। ब्राह्मण के दरवाजा पे पेशाब कर दिए और पेशाब करके वो चले गए। जहां पर पेशाब किया वहां पर सुंदर सुंदर गिनहारी का साग जलम ले लिया, हरा भरा पूरा सुंदर। और सवेरे सती जो थी सती निकली तो दरवाजे पे गिंधारी का साग देखकर प्रसन्न हो गई कि अरे बड़ा सुंदर गिंधारी का साग है। और क्या की कि वही आठवीं के दिन ये बनाई और बना के और खा ली वही गिंधारी का साग से सती का गर्भवती रह गया। सती का गर्भवती रह गया तो बेचारी बेब्याहे थी, कुवारी थी, लेकिन फिर भी छिपा तो नहीं सकती थी। उनके माता पिता जान गए कि ये गर्भवती है तो सती से कहने लगे कि तुम्हारा पेट में किसका अंश है बताओ। माता पिता से बोली, पिताजी ये बच्चा किसका मुझे पता नहीं, लेकिन बच्चा जब जन्म लेगा तो पता चल जाएगा। मैं सती सचमुच में सती हूँ, आज भी सती वही सती हूँ। मैं किसी पर पुरुष का नजर उठाकर नहीं देखा हूँ और आज भी नहीं देखेंगे। पिताजी आप मुझ पे कोई ऐसा शंक ना कीजिए। गांव वालों ने उंगली उठाने लगे। ब्राह्मण बोले, मेरा बेटी गलत नहीं है, कोई गलत नहीं की है, मेरा बेटी तो घर से बाहर नहीं निकलती है। गांव वालों ने यही सोचने लगे कि ये तो सत्य है कि सती कहीं जाती नहीं, लेकिन फिर भी ये सब कैसे। अब गुरु भाई बहना सती का पेट में जब एक महीना का बच्चा हुआ तो लग रहा था कि दो महीना का है, लेकिन जब दो महीना का हुआ तो लग रहा था कि चार महीना का है। जब चार महीना का हुआ तो लग रहा था इसका समय पूरा हुआ है, लेकिन जब नौवां महीना बीता तो सारा गांव वाले हंसने लगे कि सती का पेट से क्या हाथी जन्म लेगा या घोड़ा। सती का तो एक तो बेब्याह है और दूसरा में इतना बड़ा पेट है इसका। सारा लोग ब्राह्मण की कन्या पे उंगलियां उठाने लगे, हंसने लगे। नौवां महीना के बाद जितवाहन जन्म लिए। जब जितवाहन महाराज जन्म लिए बेचारी अपना सती पुत्र को स्वीकारी अपना उसे ओद्र से जन्मी दी थी तो मन में वो समझ गई थी कि मैंने सूर्यदेव को दर्शन तो नहीं दिया लेकिन उनका काम देव रहा नहीं। वो पेशाब कर दिए और उसी पे उनका अंश छिपा था, मैंने साग बना के खा लिया और उसी के सहारे मेरा पेट में गर्भवती रह गया। हे सूर्यदेव एक दिन अपना पुत्र को नाम आपको देना होगा। एक दिन का बात है कि वो धीरे धीरे पुत्र बड़ा हो गया सती का और सती ने अपना बच्चा को नामकरण भी नहीं की थी। सारा बच्चा खेलने जाता था तो ये सती का बेटा भी खेलने जाता था। एक शिव का बहुत बड़ा मंदिर था, मंदिर के पास सती का पुत्र और कई बच्चे खेल रहे थे गुल्ली डंडा। तो गुल्ली डंडा मारा तो लड़के बोला
तो मंदिर के पार, दूसरा बार मारे तो पोखरा के पार, तीसरा बार मारे तो बाबा के द्वार। तो ये सती का बेटा भी बोलता है कि एक बार मारे तो मंदिर का पार, दूसरा बार मारे तो पोखरा के पार, तीसरा बार मारे तो बाबा के द्वार। सारा लोग उंगली उठाकर कहते हैं, बच्चे अरे तेरा कुल का पता है, तेरा बाप का पता है, बाबा बाबा रट रहे हो, तेरा कोई पिता का नाम नहीं इसलिए तेरा भी नाम नहीं रखाया है, इतने बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हें पता भी है कि मेरा पिता कौन है। गुस्से में सती का बेटा घर आया और अपने माँ से पूछा, माँ मेरा पिता कौन है मुझे बताओ। सती का बेटा जिद किया, सती कहती है कि बेटा ऐसा बात तुमसे कौन बोला कि पिता भी होते हैं। माँ मैं बच्चों के साथ खेल रहा था और बच्चों ने ऐसे बोला तो मैं भी बोला, तो बच्चों ने मुझे ताना दिया, मुझे पिता बताओ कौन है, यदि तू नहीं बताएगी तो मैं अपना प्राण त्याग देंगे। सती का कलेजा कांप उठा, आंख से आंसू धार बहने लगा कि मैं इसी पुत्र के कारण पूरा संसार से बदनाम हो गया हूं, आज मेरा पुत्र मरने को लिए कह रहा है, हे पतिदेव जी आप थोड़ा सा भी रहम कीजिए, अपना पुत्र का नाम दे दीजिए। और इतना सोच अपने पुत्र को बोली, बेटा तू प्राण देने का बात करता है, अरे तू तो इतना छोटा है, इतना छोटी सी बात के लिए। बेटा गांव का पक्षी में एक बहुत बड़ा विशेला पीपल का वृक्ष है, जब 12 बजे, अभी कितना टाइम हुआ है? बेटा बोला, मां 6 बजा है। और बेटा इसमें 6 और जोड़ देंगे तो कई बजेगा? तो 12। तो बेटा 12 बजे दिन में तुम्हारे पिता 12 बजे दिन में पीपल के ब्रिज के पास चले जाना, बाप और पीपल के ब्रिज एक रथ जाते रहेगा, रथ को दाहिना घोड़ा रोक लेना और आगे मत बढ़ने देना, रथ खींच लेना, तुम्हारा नाम मिल जाएगा, पिता का नाम मिल जाएगा। बोले ठीक है माँ। आप गुरु भाई बहना आस जोने लगे सती का बेटा, 12 बजने से पहले पीपल के ब्रिज के पास चले गए और जाकर इंतजार करने लगे। जब 12 बजा तो सूर्यदेव अपना रथ लेकर जाने लगे और ये रथ को खींच लिए, आगे नहीं बढ़ने दिए। सूर्यदेव पूरा कस के गुस्सा में आए और बोले कि कौन हो जो मेरा रथ रोक लिया? बोला कि मैं सती का पुत्र हूं, तुम्हें कौन बोला, किसने बोला कि रथ रोकना? मेरी माता सती ने बोली है। सती का पुत्र बोला, मेरी माता बोली है और मैंने रोका हूं, क्यों नहीं, क्यों रोका? मैं अपने पिता का नाम जानने के लिए आया हूं और आज तक मेरा नाम नहीं रखाया है। गुरु भाई बहना, सूर्य भगवान बोले सूर्यदेव कि हे पुत्र तूने रथ रोका, ठीक किया, लेकिन तू मेरा पुत्र है, तेरा पिता का नाम सूर्यदेव है, जिसके रोशनी से चारों ओर चमकता है, प्रकाशित होता है, उगने पर उजे उजाला और डूबने पर अंधियाला, वही तुम्हारा पिता है जो संसार जानता है, और तू सूर्य का पुत्र जितवाहन हो, तुम्हारा नाम जितवाहन रखा जाएगा, आसिन मास अष्टमी के दिन तुम्हारा माँ गर्भवती हो गई थी और तेरा माँ कोई पापन नहीं है, वो सचमुच में सती है। बोले कि ठीक है बेटा, तू चारों ओर अपना
नाम फैला दो, क्योंकि उसी दिन का जीवित पुत्री का एक व्रत का नाम दिया जाएगा। जो भी जीवित पुत्री का व्रत करेंगे तुम्हारा नाम अवश्य लेंगे और उसका पुत्र अमर रहेगा। गुरु भाई बहना, वहां से ये जितवाहन महाराज चलने लगे। चलते 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 एक राजा के नगरी में पहुंच गए। एक राजा के नगरी में पहुंच गए तो एक बुढ़िया द्वार पे बैठ के रो रही थी। बुढ़िया के बोले कि माता तू क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, बेटा मैं क्या कहूं, मेरा बेटा आज के दिन मर गौना कराने गया है, कल गौना कराने गया, आज लौटेगा, लेकिन अपना पत्नी के साथ रात नहीं बिताएगा, राजा के बेटी के साथ रात बिताएगा। बेटा राजा के बेटी के पेट से पता नहीं क्या निकलता है, जो राजा के बेटी के पास सोता है और सवेरे उसका मरा हुआ लाश निकलता है। आवाज मेरा बेटा का पारी है, एक ही बेटा तो मेरा है, अब सात पुत्र था, छह तो मर गया लेकिन एक ही बच रहा है। जितवान भगवान बोले, हे माता चिंता मत करो, हम तुम्हारा पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। बोले कि ऐसा तो? हाँ। अब गुरु भाई बहना है बेचारे जितवाहन उसी बुढ़िया के पास बैठ गए, समय बिताने लगे। बेटा गौना करके आ गया, उसके बेटा को बुढ़िया के बोल दिए कि जा अपना पत्नी के साथ सो जाएगा। जितवाहन भगवान चल दिए और राजा के बेटी के बगल में उस बुढ़िया के बेटा के बदले सो गए। लेकिन सोकर कुछ ही पल सोकर हटकर और खड़े हो गए, कोना में खड़ी हो गए। राजा की बेटी गहरी नींद से सो गई और उनका नाक से मुंह से एक नाग एक नागिन निकली, नाग एक नागिन निकली। जितवान भगवान ने क्या किए कि उसका शरीर को काट दिए, नाक को, और काट के नीचे गिरा दिए और गिरा कर तेगा को एक कोना में उठगा दिए और वहां से चल दिए। बुढ़िया के पास आए, बुढ़िया के दरवाजा खुलाए, बुढ़िया ने दरवाजा खोल दी। बुढ़िया के बोले, जा अपना बेटे को रानी के बेटी के पास भेज दो और कल के दिन दूसरा बहू भी परछन के लिए तैयार हो जा और राज पाटली खाने के लिए। बुढ़िया ने इनका बात मानकर अपना बेटे को भेज दी। बेटा ने जाकर थोड़ी देर रानी के पास राजकुमारी के पास बिताया। सवेरा हुआ तो राजा के पास जाकर बोला, राजा साहब मैंने पूरा रात बिता लिया आपके बेटी के साथ। राजा ने क्या किए कि जब देखे अंदर गए तो देखते हैं कि सचमुच में बेटी सोई है और नीचे नजर पड़ा कि एक बहुत विषैला नाग एक नागिन उसका कटा हुआ देख राजा चकित हो गए और कहने लगे, तूने तो बड़ी वीरता के साथ काम लिया है। बोले कि महाराज ये सब मैंने नहीं किया हूं, मेरे घर एक कोई मुसाफिर आए हैं और उन्होंने ही ये सब किए हैं। राजा बोले, उनसे हम मिलना चाहते हैं, मुझे मिला दो। जितवाहन भगवान आए और आकर राजा से मिले। राजा ने बोले कि मेरा पुत्री से आपको विवाह करना होगा। जितवाहन भगवान बोले, नहीं हम तुम्हारा पुत्री से विवाह नहीं करेंगे, बुढ़िया का बेटा हकदार है और जो भी देना है बुढ़िया का बेटा को दो।
विवाह करवा दिए जितवाहन भगवान गुड़िया के बेटा से राजकुमारी को। विवाह हो गया, आधा राज राजा लिख दिए और गुड़िया ने बहू को परछन कर ली। जितवाहन भगवान गुड़िया से बोले, हे माता, मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। बोले कि बेटा क्या? तो देखिए माता, आसिन मास सप्तमी के दिन, कृष्ण पर सप्तमी के दिन नहाई खाई करिएगा और अष्टमी के दिन पूरा दिन निराहार निराजल रात दिन रहिएगा अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए, और नवमी के दिन पारण कीजिएगा, आपका पुत्र का लंबा आयु हो जाएगा, आप सब व्रत रखिए। बुढ़िया ने ये सब सबको राजा के राज में पूरा बताई। जितवाहन वहां से चल दिए, जब आगे बढ़े तो एक राज में गए। वहां के लोग बहुत सारे इधर उधर बैठे थे छिप छिप के। जितवाहन बोले, भाई क्या बात है, आप लोग बड़े छिप छिपाए के बैठे हैं। वहां के लोग कहने लगे, क्या कहूं, मेरा गांव में एक हाथी पागला बन के आया है और सबको प्राण दंडित दे रहा है, सबको मार रहा है, कब किसका मार देगा कोई पता नहीं। बोले कि ऐसा तो हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। सारा लोग इसे मना करने लगे कि मत जाइए। बोले नहीं, हम देखते हैं उसे। और मना करने के बाद भी गांव में जितवाहन हेल गए, हेलकर और हाथी के पास जाने का कोशिश किए। जितवाहन सुमरन करके अपने पिता को कहने लगे कि हे पिताजी, मैं आपका पुत्र जितवाहन मुसीबतों में फंसा हूँ, लोगों का रक्षा करना है, किस हाल से करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सूर्यदेव एक लड्डू गिराए, ओ एक लड्डू क्या किए जितवाहन, उसके आगे हाथी का आगे फेंक दिया, हाथी उठा के लड्डू खा गया। दूसरा लड्डू फेंक दिए, दूसरा लड्डू भी खा गया, हाथी मूर्छित हो गया। तीसरा लड्डू दिए, तीसरा भी खा गया, हाथी गिर गया। चौथा लड्डू खा लिए, हाथी बिल्कुल आधा मरु हो गया। पांचवा लड्डू में प्राण टूट गया। पूरा गांव जय जयकार करने लगे और कहने लगे, छोटी सी बालक इतने बड़े हाथी को मार डाले, आपका कहाँ घर है, आप कहाँ रहते हैं, किसका पुत्र हैं, हमें बताइए। सारा गांव वालों के जितवाहन बोले कि मैं सती और सूर्य का पुत्र हूँ, जितवाहन मेरा नाम है और मैं पूरा गांव में, पूरा नगर में, पूरा राज में, पूरा देश में प्रचार कर रहा हूँ कि जित्या व्रत करो अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए। आज कितनी माँ का मैं गोद उजड़ने से बचा दिया हूँ, आज कितने सुहागने का सिंदूर में बचा दिया हूँ, कितने बहने का भाई जीवित रह गया है, वो सब याद करना और जीतिया व्रत करना अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए। वहां के उस राज के लोग, सारा लोग स्वीकार लिए। जितवाहन भगवान बताए कि सप्तमी के दिन आसिन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाई खाई और अष्टमी के दिन उपास और नवमी के दिन पारण करना, नियम धर्म से बिल्कुल निराहार निराजल रहना, जितना खैर रहोगे उतना पुत्र जीवित रहेगा ज्यादा। गुरु भाई बहना, वहां से जितवाहन चल दिए। जितवाहन महाराज वहां से चल दिए। चलते 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 एक राज में पहुंचे, वहां एक बुढ़िया थी। बुढ़िया बेचारी बैठ के पूरा अपने दरवाजा पे चिल्ला चिल्ला के रो रही थी।
तो ये जितवाहन पहुंचे और कहने लगे कि हे माता, आप इतना क्यों रो रहे हैं? आखिर क्या कारण है? बुढ़िया बोली, क्या कहूं बेटा, तू बहुत छोटा हो, मेरा दुख का नहीं समझ सकता। बोले, माता क्या बात है, आप एक बार बता कर तो देखिए। बोले कि मैं क्या कहूं, कहने में भी तो दुखी लगता है, दर्द होता है, मैं दुखी हूं। आज मेरा बेटा का प्राण हरने वाला है, आज बेटा मर जाएगा मेरा। बोले कि माता कैसे, एक गरुड़ आता है और गरुड़ आकर एक बालक को प्रतिदिन खा जाता है, यदि स्थान पे बालक को नहीं पहुंचाता है तो उसका पूरा घर का परिवार का गरुड़ मार डालता है। बोले, बस इतनी सी बात? तो हाँ। बोले कि गरुड़ कहाँ खाता है? बताए वो बूढ़ी माता की पहाड़ी के किनारे। बोले, हे माता, अपना पुत्र को आप अपने पास रखिए और अपना पुत्र को मत भेजाइएगा, आपका पुत्र जीवित रह जाएगा, मैं अपना शरीर को उसे भोजन दे दूंगा। और जितवाहन भगवान जहां पे गरुड़ राज पक्षी खाते थे भोजन, एक बच्चा को उसी जगह पे जाकर और अपना शरीर निछावर कर दिए। उधर से पक्षी राज गरुड़ आए और खाने लगे। जब बाया हाथ खाए पक्षी राज तो दाहिना हाथ भी जितवाहन दे दिए। जब दाहिना हाथ भी दे दिए तो कहने लगे कि आप कौन हैं और आपको क्या दर्द नहीं होता है? मुझे चीखने चिल्लाने वालों को खाने में अच्छा लगता है। आप देवता हैं, देवी हैं, मनुष्य हैं, कौन हैं? जितवान कहने लगे कि हे पक्षीराज, आप अपना जी भर के भोजन करें, मैं अपना शरीर दे दिया हूं। दर्द से पीड़ित थे जितवाहन, ओ खाने को लिए छोड़कर कहने लगे कि पहले अपना बताइए, उसके बाद ही आपको हम खाएंगे। जिनका खाते थे वो चिल्लाता था, लेकिन आप तो एक तरफ खाए तो दूसरी तरफ जिमा कर दिए, हम ऐसे आपको नहीं खा सकते हैं। बोले कि क्या बताऊं, मेरा माता का नाम सती है और पिता का नाम सूर्य है और मेरा नाम जितवाहन है और मैं अपने घर से निकला हूं जीतिया व्रत हर माता को करने को लिए, कहने के लिए, और इस उसका बचाना मेरा धर्म है, इसीलिए मैं अपना शरीर को तुम्हारे पास भोजन के लिए लगा दिया हूं। गरुड़ राज बोले कि हे महाराज, आप कितना प्रतापी हैं, कितना पुण्य आत्मा है जो अपना शरीर दूसरे को बदले खाने को लगा दिए हैं, और मैं एक पापी हूं जो कि दूसरे को अनाथ कर रहा हूं। हे महाराज, मैं नहीं खाऊंगा, आप वर मांगिए, आपको हम वर देंगे। जितवान भगवान बोले कि आप क्या वर देंगे पक्षीराज, आपके पास आखिर क्या है? बोले कि मेरे पास बहुत कुछ है, आप एक बार मांग कर तो देखिए। जितवाहन बाबा कई बार इस वचन को बुलवाए और पक्षीराज बोले कहते हैं जितवाहन कि हे पक्षीराज, मैं यही चाहता हूं कि जितने बच्चे को खाए हैं सारा को जीवित कर दीजिए और इस पर्वत को त्याग दीजिए
आज से बच्चे को खाना छोड़ दीजिए। जो पक्षी थे गरुड़ बोले कि अब हम द्वारा यहाँ चरण नहीं धरेंगे, आप जितने को खाए हैं सबको हम जीवित कर देंगे। बोले कि तो ठीक है, उन्हें जिला दीजिए, जीवित कर दीजिए। बोले ठीक है, हम आते हैं बैकुंठ धाम से, अमर लोक से अमृत लेकर और सबको हम जिला देंगे। गरुड़ जो पक्षी राज थे वहां से चल दिए और जाकर अमृत के घड़ा उठाए और अमृत को घड़ा उठाकर और उसी पर्वत पे लेकर आए जहां सारी बच्चों को खाते थे। सारी हड्डियां के ऊपर पूरा छिड़कने लगे और छिड़कते छिड़कते सारा हड्डियां के ऊपर छिड़क दिए अमृत। सारा बच्चा जी गया, सारा बच्चा उठ के खड़े हो गए और वहां के सुबह होते ही सारा बच्चा वहां दिखाई देने लगा। वहां के जो लोग थे सारा लोग सोचने लगे कि अरे ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये सब कैसे हुआ, ये सब किसने किया। सारा बच्चा जीवित हो गया और गरुड़ राज वहां त्याग कर चल दिए। गरुड़ राज त्याग कर चल दिए, लेकिन गरुड़ राज जो थे वो बोले कि महाराज मैं जाते जाते आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जितवाहन बोले क्या, तो कुछ ऐसा व्रत करने के लिए हर माता को कह दीजिए कि जो अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए हर माँ करे। जितवाहन बोले वही तो मैं बताने आया हूं, चिंता ना करे, मैं कुछ ना कुछ कह के तो जाएंगे। बोले ठीक है, और गरुड़ राज वहां से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए अपना लोग, यहाँ इस पर्वत पर नहीं आने लगे। अब जो सवेरा हुआ तो पूरा गांव नगर में हंगामा हो गया, सबके बच्चा जीवित हो गया और सब अपना जीवित बच्चा को पाकर बड़े प्रसन्न हो गए। सब बड़े प्रसन्न हो गए गुरु भाई बहना। अब जितवाहन ने बुढ़िया के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे माता, तुम्हारा तो सात पुत्र था, सातों पुत्र जीवित हो गया है और तुम्हारा पुत्र का जान बच गया, सारा लोक का जान बच गया, अब हम अपना नगर जाते हैं, लौट रहे हैं। बुढ़िया बात सुनकर बोली कि हे महाराज, आप कौन हैं मुझे बताइए, आप मेरे घर ही रहिए। जितवाहन बोले मैं सूर्य का पुत्र हूँ और सती का पुत्र जितवाहन मेरा नाम है, लेकिन पूरा प्रजा के लोग को मेरे पास बुलाओ और मैं प्रजा को कुछ बताना चाहता हूँ। बुढ़िया बोली महाराज बेझिझक। बुढ़िया राजा के घर गई और पूरे प्रजा के घर गई और सब को इकट्ठा करके बुला कर लाई। सारा लोग आए, सबसे बुढ़िया बताई कि ये सूर्य का पुत्र और सती का पुत्र है जितवाहन, इन्होंने ही सबका पुत्र को जीवित किए हैं और इन्होंने हमसे कुछ कहना चाहते हैं। सारा लोग बोले कि आपका बात महाराज स्वीकार है, आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं क्या कहना चाहते हैं। कहने लगे अपना नाम बताकर पूरा परिचय कि देखिए आप लोग सप्तमी के दिन आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाय खाय कीजिए और अष्टमी के दिन पूरा दिन उपवास रहिए और नवमी के दिन पारण कीजिए। जो नियम धर्म से ये व्रत कीजिएगा उनका पुत्र का लंबा आयु होगा, स्वास्थ्य का रक्षा होगा और उनका कोई भी आपत्ति विपत्ति कुछ नहीं करेगा, वो बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे।
उन्हें कोई दुख कोई कष्ट नहीं होगा। आप सभी माताएं जीवित पुत्री का अपराध कीजिए। गुरु भाई बहना, वहां के जितने लोग थे सारा लोग हाँ हाँ कहने लगे और जीतिया व्रत करने को लिए तैयार हो गए और स्वीकार लिए। आज जीवित पुत्रिका व्रत का पूरा प्रचार पूरा संसार में प्रचलित हो गया और सारी माताएं अपने पुत्र के रक्षा के लिए पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करने लगे और जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से ये व्रत का नाम जाना जाता है। आज जीवित पुत्रिका व्रत जो है कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए ना करे तो गलत है, क्योंकि कोई भी रेन में या किसी जगह पे या किसी कारण से बच्चे का बाल बाल बच जाता है तो लोग कहते हैं कि आपका माँ खैर जीतिया किया होगा, इसीलिए आपका कुछ नहीं हुआ और आपका जीवन दान मिल गया और बच्चा जो है सचमुच में जीवन दान मिल जाता है। और जीतिया व्रत जीवित पुत्री का व्रत जरूर करना चाहिए। गुरु भाई बहना, पूरा संसार में जितवान भगवान फैलाकर और अपना स्थान धर लिए। जितवान भगवान अपने माता के पास चले गए। माता उनको पूछे कि क्या पुत्री तुम्हें नाम मिला, बहुत दिन बाद तूने लौटा सती के पास, बहुत दिन बाद लौटे। सती के पास जब लौटे तो सती पूछे कि बेटा तुम्हें नाम मिल गया? बोले हाँ माँ, मेरा पिता जो है सूर्य हैं और मैं सती का और सूर्य का पुत्र हूँ और मेरा नाम जितवाहन है और मैंने कितने लोगों का बचाकर और पूरे संसार में फैलाकर इसके बारे में आ रहा हूँ। गुरु भाई बहना, वहाँ के नगरी का लोग जितने लोग ताना मारते थे सब आकर क्षमा मांगे सती से और प्रार्थना किए कि हे सती, अब हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, कभी गलत नहीं कहेंगे और हम भी जीवित पुत्री का व्रत करेंगे जो कि मेरा पुत्र का लंबा आयु हो और मेरा पुत्र स्वस्थ रहे अच्छा रहे। सारा लोग सती से विनती करके हाथ जोड़े। तो गुरु भाई बहना, सती तो सती थी। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा जरूर लिखिए। धन्यवाद। गुरु भाई बहना, मैं भगवान से कामना करती हूँ कि जीवित पुत्री का व्रत जो है आप सभी कीजिए और सबका पुत्र स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और मस्त रहें। धन्यवाद।